hello student last video we start a new lesson chapter number five the primary activities we know about the hunting and gathering today's topic is agriculture so start today's topic agriculture is practiced under multiple combination of physical and social economic conditions which give राइज द डिफ़रेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स जो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है वो बहुत ही अनेक जो कॉम्बिनेशंस अनेक तरीके के जो की जो फिज़िकल है यानी कि जो भौतिक और सोशल यानी कि सामाजिक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो कंडीशंस होती हैं आर्थिक जो दशाएं होती हैं उनके ऊपर निर्भर करता है इसके आधार पर जो एग्रीकल्चर है वो डिफरेंट टाइप्स यानी कि बहुत कई तरीके की जो कृषि है कृषि की जो व्यवस्था है उसमें उसे बांटा गया है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोइंग ऑफ लाइव स्टॉक राइज द फॉलोविंग आर द मेन एग्रीकल्चर सिस्टम अगर हम देखते हैं तो जो डिफरेंट मेथड बेस्ड ऑन मेथड ऑफ़ फार्मिंग यानी कि जो कृषि करने के जो तरीके हैं उनके आधार पर और साथ ही साथ जो क्रॉप है यानी कि जो हमारी जो फसलें होती हैं फसलों के जो टाइप्स हैं फसलों के प्रकार के आधार पर भी जो एग्रीकल्चर है उसे कई ऐसे कई भागों में विभाजित किया गया है द फर्स्ट एग्रीकल्चर सिस्टम इज़ सब्सटेंस एग्रीकल्चर सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज़ वन वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल ऑफ नीरली सो सो द प्रोडक्ट प्रोडक्ट लोकली ग्रो इट कैन बी ग्रो ग्रोप्ड इन टू कैटेगरीज प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसके अंदर यह बताया जाता है कि जो फार्मिंग होती है फार्मिंग एरिया यानी कि जहाँ पर कृषि की जाती है वह क्षेत्र बहुत पास पास में होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है इसलिए यहाँ पर इस तरीके का जो प्रोडक्शन है वो लोकेटली ग्रो यानी कि एक साथ उत्पादित होता है सब्सटेंस एग्रीकल्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक प्रेमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होता है और एक इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होता है फर्स्ट वी आर नो अबाउट प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ वाइडली प्रैक्टिस ऑन मैनी ट्रबाई ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स, एक्स एक्सपीशियली इन अफ्रीका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका इन साउथ ईस्ट एशिया अगर हम देखें तो जो प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जिसमें अलग अलग प्रकार से जो चीज़ें हैं उनको स्थानांतरित करके बोया जाता है इस तरीके का ज़्यादातर जो प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है वो ट्राइब्स एरियाज यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है, है आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर अधिक देखने को मिलती है स्पेशली अगर हम देखें तो जो प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसको अफ्रीका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर इस तरीके की एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है द वेजिटेशन इज यूजली क्लियर बाय फायर एंड द एश एड द फर्टिलाइड फ्रॉम द सॉयल जो हम देखते हैं इसके अंदर जो वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति होती है उसे आग के द्वारा आग से जलाकर उसे साफ़ कर लिया जाता है और उसकी जो ऐश होती है यानी कि उसकी जो राख रह जाती है उसे फर्टिलाइट यानी कि जो एक खाद के रूप में उसका उपयोग किया जाता है उसे सॉयल यानी कि जो मिट्टी है उसमें मिला दिया जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ ट्रस्ट आल्सो कॉल्ड सलाश एंड बर्ंड एग्रीकल्चर यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है यानी कि जो हम देखते हैं कि जो स्थानांतरित जो कृषि है उसे हम सलाश और बर्ड एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं द कल्टिवेटेड प्रैक्टिस एंड वेरी स्मॉल एंड कल्टिवेशन इज़ डन विथ वेरी प्रीमेटिव टूल्स सच एज़ स्टिक एंड हॉन्स यानी कि जो ये कल्टीवे शिफ्टिंग कल्टिवेशन्स है वो बहुत ही छोटे एरिए में बहुत ही का इस्मोल जो एरियाज़ में है वो छोटे क्षेत्रों में की जाती है और इसमें जो परंपरागत जो टूल्स होते हैं परंपरागत जो कृषि के जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय जिसमें तीन से पाँच साल के अंदर दस सौ सो, दस लुक द फर्टिलाइट एंड द फार्मर शिफ्ट टू अनोदर पार्ट ऑफ क्लियर अदर पीच ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ फॉर कल्टिवेशन उस समय बाद यानी कि तीन से पाँच साल तक उस क्षेत्र पर कृषि की जाती है उसके बाद वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और जो किसान हैं वो दूसरे क्षेत्र में यानी कि जो फॉरेस्ट है जंगल के दूसरे क्षेत्र में जाकर और ठीक उसी प्रकार से जो वहाँ की जो वनस्पति वेजिटेशन होता है उसे फायर से क्लियर करके और फिर उस क्षेत्र में कृषि करना प्रारंभ कर देता है द फार्मर मैनी रिटर्न ऑफ द अर्लियर पेज आफ्टर टाइम और कुछ समय बाद जब एक स्थान पर कृषि बंद हो जाती है तो वह जो फार्मर होते हैं यानी जो किसान होते हैं वो वापस अपने पुराने स्थान पर आके कृषि करने लग जाते हैं वन ऑफ़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ दैट द साइकिल ऑफ जूम बिकम लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस द फर्टिलाइज इन डिफरेंट प्रार्टिकल्स यानी कि इससे जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है यानी कि जो स्थानांतरित जो कृषि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम होती है सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वो ये होती है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार जाया जाता है बार बार उस पर कृषि की जाती है तो उसकी जो सॉयल होती है सॉइल के जो फर्टिलाइट यानी कि जो उपजाऊ जो पार्टिकल्स होते हैं उपजाऊ जो पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं इट इज़ प्री प्रीवलेंटेड ऑफ ट्रॉपिकल रीज़न इन डिफरेंट नेम्स यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है जैसे झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया में उसमें इस जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको झूमिंग के नाम से बुलाया जाता है वहीं पर जो सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से बुलाया जाता है और साथ ही साथ मेक्सिको में इसे ला लादांग लादांग के नाम से मेक्सिको और जो लादांग में इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लादांग के नाम से जाना जाता है फाइंड आउट अदर एरियाज़ एंड द नेम विच वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ डन और अलग अलग क्षेत्रों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है